Let us see next question. Fx is lambda time of x square plus 2 if x is less than 0, and fx is 4x plus 6 if x is greater than 0. Function ki two definition hame given hai. X agar 0 se smaller hai, in that case value of this function is lambda into x square plus 2, and if x is greater than 0, in that case value of function is 4x plus 6, right? Saath mein hamein given hai, this function is continuous at x is equal to 0. 0 pe ye function continuous hai, right? Hence check differentiability of at x is equal to 0. Function hamein 0 pe continuous given hai, and हमें फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0, कि 0 पे ये फंक्शन डिफरेंशिएबल है या नहीं है, राइट? ओके, लेट अस सी. एट x इज इक्वल टू 0, एट x इज इक्वल टू 0, हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करते हैं इस फंक्शन की. लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, राइट? यहां पर x 0 को लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करेगा, यानी कि इन दिस केस x विल बी स्मॉलर देन 0, एंड इफ x इज स्मॉलर देन 0, देन वैल्यू ऑफ फंक्शन इज लैम्डा इनटू x स्क्वायर प्लस 2. इसलिए हम यहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या लिखेंगे, लैम्डा इनटू x स्क्वायर प्लस 2, करेक्ट? ओके, एंड इफ वी पुट x एट 0, x के जगह हम 0 पुट करते हैं, सो this will be lambda into 0 plus 2, which is equal to 2 lambda, right? Now, let us check right hand limit of the function RHL. So, for right hand limit, limit x will approach to 0 from right hand side. So, we will write limit x approaches to 0 plus. And in this case, x 0 ko kahan se approach karega? Right hand side se. So x will be slightly greater than 0, and if x is greater than 0, in this case value of function is 4x plus 6, correct? Function ki value kya hogi yahan par? 4x plus 6, correct? Okay, so this is value of function 4x plus 6, and if you put x at 0, so this is 0, 4 into 0 plus 6, that is equal to 6. As this function is continuous, given a function continuous hai, this implies left hand limit of function, right hand limit of function, and value of function at 0 will be equal. At x is equal to 0, at x is equal to 0, left hand limit, right hand limit, and function ki value, ye sabhi equal honge. Isliye humne inko kya kiya? इन सबको इक्वल रखते हैं. सो व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट? आवर लेफ्ट हैंड लिमिट इज 2 लैम्डा. लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी हम पहले निकाल चुके हैं, 2 लैम्डा है, सो 2 लैम्डा. देन राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट ऑलरेडी वी हैव, दैट इज 6, सो 2 लैम्डा इज इक्वल टू 6, दैट विल गिव अस लैम्डा इज इक्वल टू 3, करेक्ट? यहां से हमें लैम्डा की वैल्यू मिल गई, राइट? ओरिजिनली फंक्शन हमारा क्या था, एफ एक्स इज इक्वल टू लैम्डा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2, राइट? इफ एक्स इज लेस देन 0, इसलिए अब यहां पर हम लैम्डा के जगह क्या रख सकते हैं, 3. अगर लैम्डा के जगह हम 3 रखते हैं तो हमारे फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2 इफ एक्स इज लेस देन 0, एंड 4x प्लस 6 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, 4x प्लस 6 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 0, करेक्ट? ओके, नाउ दिस इज आवर फंक्शन. फंक्शन अब हमारा क्या आ गया यहां से, दिस फंक्शन के डेफिनेशन में हमने लैम्डा को 3 पुट कर दिया है. नाउ हमें इस फंक्शन की डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू 0. सो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव फाइंड करेंगे हम, एंड डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 f ऑफ 0 माइनस h, क्योंकि हम 0 पे फाइंड कर रहे हैं, राइट?
माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन माइनस एच, दिस इज डेफिनेशन ऑफ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव। अगर आप किसी पॉइंट ए पे फाइंड कर रहे हैं, इन दैट केस ये क्या होता है, ए माइनस एच माइनस एफ ऑफ ए एंड आवर ए इज जीरो, राइट। सो दिस इज लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो माइनस एच, इन दिस केस एक्स विल बी स्लाइटली स्मॉलर देन जीरो, एंड एक्स अगर जीरो से छोटा है, राइट, हम ये केस लेंगे, इफ एक्स इज स्लाइटली स्मॉलर देन जीरो, दैट इज एक्स इज लेस देन जीरो, एंड फॉर एक्स लेस देन जीरो वैल्यू ऑफ फंक्शन इज थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, बट एक्स हमारा क्या है, जीरो, सो इट विल बी थ्री इंटू जीरो जीरो प्लस टू, थ्री इंटू सॉरी x के जगह हमें रखना है जीरो माइनस एच, जीरो माइनस एच, सो एक्स स्क्वेयर के जगह क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच होल स्क्वेयर, जीरो माइनस एच होल स्क्वेयर प्लस टू माइनस, यहां पर हमारे पास क्या है, एफ ऑफ जीरो, एफ ऑफ जीरो यानी कि वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो, एंड वैल्यू ऑफ फंक्शन एट जीरो इज व्हाट, अगर x हमारा जीरो है, इन दैट केस एफ एक्स इज थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, और x को अगर यहाँ हम जीरो पुट करेंगे, दिस विल बी थ्री इंटू टू, थ्री इंटू जीरो प्लस टू अपॉन माइनस ऑफ h, करेक्ट। अब इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, जीरो माइनस h इज h, h होल स्क्वेयर, सो इट इज h होल स्क्वेयर प्लस टू एज इट इज रहेगा, माइनस में दिस इज सिक्स, करेक्ट। सो दिस इज थ्री एच स्क्वेयर प्लस सिक्स, थ्री एच स्क्वेयर प्लस सिक्स, माइनस सिक्स एज इट इज रहेगा, माइनस सिक्स दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे, सो यू हैव नाउ थ्री एच स्क्वेयर अपॉन एच ओनली। नाउ थ्री एच स्क्वेयर अपॉन एच, नाउ यू हैव थ्री एच स्क्वेयर अपॉन एच, अगर आप इसको एच को कैंसिल करते हैं, सो यू आर लेफ्ट विथ थ्री एच, एंड इफ यू पुट एच इज इक्वल टू जीरो, देन इट विल बिकम जीरो, सो आवर लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज जीरो, राइट। लेट अस सी फॉर राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव, सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ राइट हैंड डेरिवेटिव, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जनरली यहां पर क्या होता है, एफ ऑफ ए प्लस एच, जिस पॉइंट पे हम डेरिवेटिव फाइंड कर रहे हैं, दैट इज ए, राइट। सो हम जीरो पे फाइंड कर रहे हैं, सो इट इज जीरो प्लस एच माइनस एफ ऑफ जीरो अपॉन एच, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव में यहां पर क्या था, माइनस एच, लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, सो इट इज एफ ऑफ जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच की डेफिनेशन वैल्यू फाइंड करेंगे हम, फंक्शन की डेफिनेशन को देखो, अच्छा इन दिस केस दिस इज जीरो प्लस एच, जीरो प्लस एच विल बी स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, राइट। सो फॉर स्लाइटली ग्रेटर देन जीरो, for x greater than 0, value of function is this, 4 into 4x plus 6, right? So, हम x के जगह क्या put करेंगे? x के जगह हम put करेंगे 0 plus h. So, this will be 4, bracket में क्या होगा? 0 plus h plus 6. 4 of 0 plus h plus 6, minus. Minus में है f of 0, f of 0. And f of 0, if x is 0, फंक्शन की वैल्यू क्या है, थ्री इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस टू, राइट। ओके, सो यहां पर x के जगह अगर जीरो पुट करते हैं तो इट विल बी सिक्स, थ्री इंटू जीरो प्लस टू, राइट। नाउ दिस इज फोर एच, फोर एच प्लस सिक्स एज इट इज रहेगा, माइनस दिस इज ऑल्सो सिक्स, राइट, अपॉन h, सिक्स सिक्स कैंसिल आउट, so this is 4h upon h, that will give you 4, so right hand derivative is 4, but what was left hand derivative, left hand derivative was 0, at therefore at x is equal to 0, left hand derivative is not equal to right hand derivative, left hand derivative hamara right hand derivative ke equal nahi hai, this implies fx is not differentiable at, this implies fx is not differentiable at x is equal to 0. 0 पे हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है, राइट।
तो यहाँ पर दो चीजें, लैम्डा की वैल्यू फाइंड करनी थी, फिर हमें चेक करना था इज दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल और नॉट। सो दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट जीरो, राइट।